आगामी त्योहारों की मिठास में कड़वाहट पैदा ना हो, इसके लिए खाद्य सामग्री में मिलावट, कालाबाजारी और नकली खाद्य सामग्री को लेकर प्रदेश सहित जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। देखिए खास रिपोर्ट। विभिन्न क्षेत्रों में मिलावटी रूप से तैयार हो रहा दूध, मावा, घी व अन्य खाद्य सामग्री के निर्माता एवं बेचने वालों के यहाँ छापामार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में खाद्य अधिकारी की टीम ने उज्जैन के उन्हेल पहुंचकर कार्रवाई की, जहां मावा बनाने वाले कारखानों पर दबिश दी, जिसके चलते व्यापारियों को भनक लग गई और अपने कारखानों पर ताला लगाकर भूमिगत हो गए। किलो वनस्पति घी व 55 किलो मावा पाया गया, जिसके अलग अलग सैंपल खाद्य विभाग ने लेकर माल को जब्त कर लिया है। वहीं दिन भर की कार्यवाही के दौरान व्यापारियों को सूचना मिली कि अधिकारी क्षेत्र से जा चुके हैं, तब उन्होंने अपना कारोबार फिर से शुरू कर दिया। तो वहीं कुछ व्यापारियों ने मावा व घी को ठिकाने लगाते हुए पड़ोसी या अन्य जगह पर रखवा दिया। मुरैना भिंड ग्वालियर क्षेत्र में नकली दूध की शिकायतें प्राप्त हुई, जिसके द्वारा कार्रवाई की गई। उसी क्रम में हमको वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त हुए थे कि हम उज्जैन में भी कार्रवाई करें, और इसी क्रम में हमने कल कार्रवाई की थी, 5-6 डेरों पर कल कार्रवाई की थी। आज भी हमने चिलिंग प्लांट से कृष्णा इंटरप्राइज में कार्रवाई की है। उसके बाद हम लोग यहाँ आए हैं और लगातार दूध और दूध से बने जो उत्पाद हैं, खासतौर से पनीर, मावा और दूध, इनकी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने उज्जैन शहर में बड़ी संख्या में कार्रवाई की है, और आज भी हम लोगों ने उन्हेल में कार्रवाई की है, और आने वाले समय में जो हमारे बच्चे ऐसे बड़े तहसील क्षेत्र स्तर के इलाके हैं, वहाँ पे भी हम ये कार्रवाई करेंगे। और कुछ ऐसे स्टेशन्स भी पाए गए हैं, कुछ ऐसी शॉप्स पाई गई हैं जो बिना किसी वैध लाइसेंस के वहाँ अपना कार्य संचालित कर रहे थे, उन पे भी हम लोगों ने सख्त कार्रवाई कर उनका प्रकरण बनाया है। कुल मिलाकर जनता को खाद्य पदार्थ में मीठा जहर दिया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि यदि व्यापारी ईमानदारी से सही खाद्य सामग्री का निर्माण कर रहे हैं, तो फिर जब भी खाद्य विभाग का अमला इनके प्रतिष्ठानों पर पहुंचता है, तो क्यों वे उनके आने से पहले ही फरार हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, उन्हेल।